रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। ओम अयम इह प्रथमो धायी वधात्री भी होताय यजिष्ठो अध्वरेषु इड्यः यम अप्नवानो भृगवो विरुरुचः रुरुचुचुः वनेषु चित्रम विभ्वम विषे विषे। मंत्रार्थ अयम यह इह यहाँ धात्री भी धारणकर्ताओं द्वारा प्रथमो प्रथम धाई धारण किया जाता है होता आह्वान दान करने वाला यजिष्ठो अतिशय दान संगति करने वाला अध्वरेषु अहिंसकों में इड्यः स्तुत्य है यम जिसे अपनवानों अपनवान सुसंतानों के सहित भृगवो प्रकाशमान तेजस्वी वनेषु वाणी सेवा में चित्रम अद्भुत आश्चर्य रूप विभ्वम विभु विशेष रूप से वर्तमान उत्पन्नकर्ता को विषय विषय प्रवेशी में विरुरुचुहु विशेष प्रदीप्त करते हैं। भावार्थ परमात्मा ही सर्वप्रथम धारण करने योग्य है, उसी को ज्ञानवान अपनी चेतना में तथा जन जन में धारण करते हैं। धातु आदि निरुक्त अयम सर्वनाम इह सर्वनाम धात्री भी धा धारण करना पोषण करना रक्षा करना दान करना प्रथमो संख्या प्रथ विस्तार होना प्रसिद्ध होना धाई धा धारण करना पोषण करना रक्षा करना दान करना होता हुए आह्वान करना दान करना आदान प्रदान करना यजिष्ठो यज देव पूजा संगति दान करना अधुरेषु अ उपसर्ग धुरी हिंसा करना इड्यः इड प्रशंसा करना स्तुति करना यम सर्वनाम अपनवानो अप पालन करना भृगवो भृज भर्जन करना प्रकाश करना वनेषु वन शब्द करना सेवा करना सहायता करना आपदग्रस्त होना अलग करना मिलाना स्मरण करना उत्पन्न होना याचना करना चित्रम चित्र आश्चर्य करना विभ्वम वी उपसर्ग भू होना विषय विषय विष प्रवेश करना सूचना करना प्रेरणा करना विरुरुचुः वी उपसर्ग रुच रुचना प्रीति होना प्रसन्न होना उत्साह होना प्रकाशित होना। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय इस मंत्र 6 ओम ओम अहम इह प्रथमो धायि धात्रभि भूताय ज्येष्ठो यम आपनवानो मृगवो विरुरुचु वनेषु चित्रम विभ्वम विषे विषे। अयम यह इहि यहां यह यहां प्रथमो प्रथम धाई धारण किया क्रिया के रूप में भी मान सकते हैं। सामान्यता विद्वानों ने क्रिया माना है इसलिए हमने भी क्रिया लिया है, अन्यथा वेद के व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए हो सकता है कोई धारणकर्ता का अर्थ ले लिया अधिक से अधिक, इससे बस इतना ही संभव है। तो अयम ये प्रथमो धाई यह यहां प्रथम
धारण किया, इसने यहाँ प्रथम धारण किया, यह और इसने कर्ता कारक में, यह तो एक समान है, इसमें तो संभवतः किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। इसने यहाँ प्रथम धारण किया, धातृ भी धारणकर्ताओं द्वारा, धा धारण करना त्रि प्रत्यय है, धातृ शब्द बनता है, उसमें विभक्तियां लगती हैं, जैसे माँ धातु है उसमें भी त्रि प्रत्यय लगता है तो मात्र बनता है, माता जिसे हम कहते हैं कर्ता कारक एक वचन में, मात्र का माता, पितृ का पिता, धात्र का धाता, उसी प्रकार से धात्र का कर्ता एक वचन में धाता हो जाता है, धाता शब्द वेद में आपको बहुधा मिलेगा। धातृ भी तृतीया बहुवचन है, धारणकर्ताओं द्वारा, ये तृतीया बहुवचन में है धारणकर्ताओं द्वारा, स्वाभाविक है यह उपासकों के लिए है, समाज के श्रेष्ठ जनों के लिए है, देवजनों के लिए है, परमेश्वर के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि वह एक है, उसके लिए होता तो एक वचन में होता। कहते हैं धारणकर्ताओं द्वारा धारण किया, हाँ अयम एक वचन में है, यह परमेश्वर के लिए हो सकता है, इसने यहां प्रथम धारणकर्ताओं द्वारा धारण किया, यह अर्थ ठीक है। होता जो हवन करने वाला है, क्योंकि हो धातु है, त्रि प्रत्यय लगेगा तो होत्र बनता है, तृतीया बहुवचन का जैसे धातु भी यहां है तो होत्र भी होगा, ये होत्र भी पद भी हमको अनेक स्थानों पर दिखता है। होता दान करने वाला, उधातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना, तो एक वचन में है कर्ता कारक एक वचन, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे धाता पिता माता भ्राता, तो वैसे यहां पर आ गया होता, दान करने वाला आदान प्रदान करने वाला। यजिष्ठो, यजिष्ठो अत्यंत यजनशील, यज देव पूजा संगति दान करना हम अर्थ जानते हैं, यजिष्ठो अत्यंत यजनशील, जैसे वरिष्ठ होता है गरिष्ठ होता है, तो अत्यंत के अर्थ में यजिष्ठो अत्यंत यजनशील, अध्वरेषु अध्वरों में, अध्वर आ उपसर्ग निषेधात्मक अर्थ में सभी जानते हैं, हम सब परिचित हैं, ध्वर द्विधातु का अर्थ है हिंसा करना, अध्वर का अर्थ हुआ अहिंसक, अध्वरेषु सप्तमी बहुवचन में है अहिंसकों में। धारण कहां करेगा, अहिंसकों में करेगा। इद्या ईड धातु का अर्थ स्तुत करना, इद्या अर्थात स्तुति योग्य, गम जाना गम जाने योग्य प्राप्त, कार्य भी इसी तरह बनता है, ये या प्रत्यय जो है तो इद्या स्तुत करने योग्य। देखिए इसमें जितने एक वचन में आए हैं ये तो इस अयम के साथ मान लिए जाएं, जब हम अन्वय करेंगे अर्थ करेंगे तो अयम यह एक वचन में है, तो ये अयम जो कहा गया है यह या इसने, वह क्या है, एक तो प्रथम भी एक वचन में है, इसे भी मान सकते हैं सबसे पहले प्रथम, होता दान करने वाला, यजिष्ठो अत्यंत यजनशील अत्यंत यजन करने वाला, इद्या स्तुत करने योग्य, यह कैसा है, यह किसके लिए हम कह रहे हैं, यह से हमारा तात्पर्य है जो होता है दानशील है यजिष्ठ है अत्यंत यजनशील है इद्या स्तुत करने योग्य है, वह है जिसके इतने गुण बताए गए, कहा गया अयम ही यह यहां प्रथमोधाई प्रथम सबसे पहले धारण करता है धाताओं के द्वारा अध्वरेषु अहिंसकों।
तो अयम एक वचन होता यजिष्ठो इद्या एक वचन, ये सब अयम के विशेषण कहे जा सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं अयम यदि हमने परमेश्वर के लिए कहा है तो ये परमेश्वर के गुण बताए गए जो बिल्कुल उपयुक्त हैं। यह परमेश्वर जो दानशील है, अत्यंत यजिष्ठ है, स्तुत करने योग्य है, अध्वरों में अहिंसकों में धात्र भी धारण करने वालों द्वारा धारण करने वालों के साथ ढाई प्रथमोधाई प्रथम धारण करता है। वह परमेश्वर सर्वप्रथम सबको धारण करता है। सबसे पहले तो वही है, जो भी सृजन होगा, सृष्टि होगी, उत्पन्न होगा, उसको धारण तो उसे ही करना है। परंतु ऋतु की व्यवस्था बना दी गई है, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि ऋतु प्रकृति के संचालन के मूल लिंगों को कहते हैं, एक व्यवस्था बना दी गई है। उस व्यवस्था के तहत धात्र भी धारण कर्ताओं द्वारा धारण करता है। जब सृष्टि क्रमशः विकसित होती चली गई, इस समय वर्तमान में इतनी विराट जटिल सृष्टि प्रकट है, तो सृष्टि के क्रम में प्रत्येक स्तर पर सबको एक दायित्व मिला हुआ है, प्रकृति में भी, तो धारण कर्ताओं द्वारा धारण करता है, अहिंसकों में धारण करता है, वह स्तुति यजिष्ठ होता धारण करता है। अब एक वचन में होने के कारण हम इसे परमेश्वर का भाव भी ग्रहण कर सकते हैं, और समाज के चाहे तो हम सर्वश्रेष्ठ देव कह सकते हैं, जो देवतम है। देव तो समाज में बहुत से होंगे, बहुत से अच्छे लोग विद्वान होंगे, उत्तम गुणकर्म स्वभाव के दिव्य गुणों से युक्त विद्वान जो हैं, वे देव कहे जा सकते हैं। और उनमें जो अन्यतम है, श्रेष्ठतम है, हो सकता है हम मान सकते हैं कि उस एक को कहा गया हो अयम यह है, और धात्र भी धारण कर्ताओं द्वारा, अन्य जो इस योग्य हैं, सुयोग्य हैं, विद्वान हैं, दिव्यजन हैं, उन धारण कर्ताओं के द्वारा इस समाज की व्यवस्था को धारण करता है। इसी प्रकार से वो संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है परमेश्वर, और जो समाज में सर्वोत्तम देव है, वो इस समाज को धारणकर्ताओं के अन्य देवजनों के सहयोग से धारण करता है। ऐसा हम इस मंत्र के इस प्रथम चरण का समझ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। यम अपने मानो भृगवो विरुचु, यम किसको, हमने आपको हलंत और अजंत का प्रकरण दिया था उदाहरण के रूप में, चाहे तो स्मरण कर लें, इसको समझ लें। यम इसमें माँ हलंत है, अस्वर है, अर्थात माँ जो अंतिम अक्षर इसमें आया, माँ में स्वर नहीं, या के साथ बोलेंगे यम तो बोल सकते हैं। यदि माँ में स्वर हो जाए, आ जाए, तो क्या हो जाएगा, यम। जब यम हो जाएगा तो वो यम धातु से बन जाएगा, यमन करना, नियमन करना। तो यम किसे कहते हैं, आप जानते हैं, एक यम जी होते हैं, पौराणिक काल्पनिक देवता के रूप में ही मान ले, तो उसका अर्थ होता है जो व्यवस्था का नियमन करता है। यम में नि उपसर्ग लगा तो नियम बन गया, सम उपसर्ग लगा तो संयम बन गया, यम धातु है। तो जब ये अजंत होता, इसमें स्वर होता माँ में, तो यम बनता, तो वो यम धातु से बनता, उसका होता नियमन करने वाला। परंतु ये हलंत है, अस्वर है, मामेश्वर, तो इसमें भ्रम न हो। ये छोटी छोटी बातें यदि हम सीख ले, ध्यान रखें, तो ये भ्रम नहीं होगा कि ये सर्वनाम है या संज्ञा विशेषण है। जब ये माँ हलंत न होता तो ये सर्वनाम नहीं होता, तब ये संज्ञा विशेषण के रूप में यम धातु से अर्थ इसका ग्रहण किया जाता। चूंकि यम हलंत है तो यम अर्थात किसको, ये द्वितीय एक वचन सर्वनाम है, इसका अर्थ हुआ यम अर्थात जिसको। अपनवानो, अपनवान, ये अपनवान क्या हुआ,
अप धातु है पालन करना, अपनवान पालन करने के गुणों से युक्त, जिनका गुणकर्म स्वभाव यथासंभव दूसरों का पालन करना है वे अपनवान। जैसे भग से जुड़ा तो भगवान, ये वान ही तो जुड़ा, विद में जुड़ा वान तो विद्वान, जिसे हम कहते हैं विद्वान, विद्या से युक्त, जानकारी से युक्त, गुणवान, धनवान। तो यहां कहा उन्होंने अपनवान, अप धातु का अर्थ हुआ पालन करना, तो अपनवान का अर्थ हुआ पालन करने से युक्त, पालन करने की भावना गुणकर्म स्वभाव से युक्त जो है उसे कहा गया अपनवान। तो जिसको अपनवान भृगवो, भृगु, हाँ इसमें ये ध्यान दे दें, अपनवान इसमें ना हलंत होगा, जैसे विद्वान, गुणवान, धनवान, इन सब में ना हलंत है। वाला के अर्थ में ये प्रत्यय जो लगता है वो ना हलंत होगा। अब इसमें अपनवान में भी ना हलंत ही होगा। अब बहुवचन कर्ता बहुवचन में आया तो अपनवान बना, विसर्ग का ओ हो गया संधि के नियम से, तो अपनवान का बहुवचन बन गया, अर्थात पालन करने के गुणों से युक्त बहुत से लोग। तो एक परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के उन उपासकों के लिए कहा जा रहा है जिन्होंने पालन करने का गुण कर्म स्वभाव अपने में विशेष रूप से धारण किया है। वह परमेश्वर तो सबका पालन करता ही है, यदि हम उसके उपासक हैं तो ये गुण कर्म स्वभाव भावना हम में भी होनी चाहिए कि अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि किसी को आवश्यकता है तो उसका कुछ पालन संरक्षण हम भी कर सकें। तो कहा गया यम अपनवानो भृगवो, ये भृगवः, ये भी भृगु का बहुवचन है। भृगु जान ले क्या हुआ, अब लोगों ने देखा भृगु बोले भृगु तो एक ऋषि थे तो थे, लेकिन यहां तो बहुवचन में आया है बहुत सारे भृगु हैं, एक ऋषि थे वो तो बात ठीक है लेकिन यहां तो बहुत सारे हैं। तो ब्रज धातु का अर्थ भर्जन करना, भूनना, प्रकाश करना आदि है, इसका और भी विस्तृत अर्थ आपको अन्य स्थानों पर हो सकता है वेदायन में या और भाष्य में मिले, शब्दकोश में मिलेगा, धातुकोश में मिलेगा, यहाँ पर उतना विस्तार नहीं दिया गया है। तो कह सकते हैं भृगुओं का अर्थ है प्रकाशमान, तेजस्वी, बिर रुजु, यह क्रिया प्रतीत होती है। रुचि धातु है, रुचना प्रीत होना, प्रसन्न होना, उत्साह होना, प्रकाशित होना। रुचि, रुचि, रुचना लोक में बहु प्रचलित शब्द है, तो रुचि धातु तो समझ में आता है ना, रुचि रुचना, इसमें उनकी रुचि है, ये उनको रुचिता है, सुरुचि है, नाम भी होते हैं, इसी वचन भी बन जाता है। तो विरु रुचुहु, विशेष रूप से रुचा, रुचि लिया, प्रीत किया, रुचना का क्या था, इसमें हमारी रुचि है तो उससे हमें कुछ प्रीति है, लगाव है, तभी कहते हैं इसमें हमारी रुचि है। तो रुचि का भाव प्रीत होना, प्रसन्न होना, प्रकाश भी है, प्रकाश होना, तो बड़ी रुचि का अर्थ प्रकाश किया, प्रकाश हुआ, ऐसा भी कर सकते हैं, रुचि हुआ, प्रीत हुई, प्रीत किया, ऐसा तो कह ही सकते हैं, प्रकाश हुआ, प्रकाश किया, यह भी कह सकते हैं। कहा वनेशु, वनो, चित्रम, चित्र को, विभ्वम, विभो को, विभु को, विषे, विषे, प्रत्येक विष्णु। अब आइए इसे समझते हैं, वनेशु, वनों में, अब ये वन क्या है, वन के
बहुत से अर्थ होते हैं। वन धातु बहुत व्यापक अर्थों में है, अभी भैया ने पढ़ा इसके कितने सारे अर्थ हैं। तो वन में मुख्य अर्थ हम लोग ग्रहण कर सकते करना, सेवा करना, सहायता करना, इसमें अंकुरण करना का अर्थ है, जिस अर्थ में ये वन जो हम लोग कहते हैं निरंतर वहां वनस्पतियों का अंकुरण होता है, वृक्ष बनते हैं, सघन वृक्षों का क्षेत्र जो हो जाता है उसे हम लोग वन कहते हैं। परंतु वन धातु में शब्द करना, सेवा सहायता करना आदि अनेक उत्तम अर्थ हैं। तो वनेश का हम ये अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं जो वेद की गरिमा के अधिक अनुकूल है। वाणियों में सेवा सहायता की भावना में या सेवा सहायता की भावना रखने वाले विद्वानों में ऐसा अर्थ कर सकते हैं। वन शब्द करना, जो शब्दशील हैं, शब्द युक्त हैं, वे विद्वान हैं, तो वनेश का अर्थ विद्वानों में ऐसा भी कह सकते हैं। चित्रम, चित्र को, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है समझने के दृष्टि से, बहुत छोटा साधारण शब्द है परंतु समझना है। ये देखा चित्रम, चित्र को, अब ये किसका चित्र है? घरों में चित्र मिलते हैं? नहीं, यहां पर चित्र है यानी आपको तो चित्र मूर्ति मानते नहीं, इसलिए इसका कोई घुमा फिरा कर अलग अर्थ करना चाहते हैं। भाई चित्र का अर्थ तो चित्र बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन वेद की जो भावना है उसे आप कहां ले जाएंगे? धातु अर्थ आपको ढूंढकर लाना पड़ेगा। तो चित्र धातु का अर्थ ही है, कुछ अद्भुत आश्चर्यजनक होना। नहीं भाई ये बात तो समझ में नहीं आई, चित्र घरों में होते हैं ये तो समझ में आता है। चलिए हम इसको लोक व्यवहार से समझने का प्रयास करें। इसमें एक उपसर्ग छोटा सा लगा वी, तो क्या हो गया? विचित्र। कहते हैं भाई ये तो बहुत विचित्र है, अर्थात सामान्य से हटकर कुछ अद्भुत है, अलग है, आश्चर्यजनक है, तो ये कहते हैं विचित्र है। वी उपसर्ग ही तो लगा, विशेष रूप से चित्र है, चित्र का अर्थ ही है अद्भुत आश्चर्यजनक, उसमें वी उपसर्ग और लग गया तो विशेष रूप से अद्भुत आश्चर्यजनक हो गया, उसे हम विचित्र कहते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इतने समय से हम लोग वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं कि वेद में उपसर्ग सामान्यता नहीं भी लगते, लौकिक संस्कृत में धीरे धीरे लौकिक संस्कृत से वर्तमान लोक भाषाओं में भी बहुत से शब्द उपसर्ग के साथ ही प्रचलित हो गए हैं। यदि उपसर्ग को अलग कर दें तो वो शब्द अटपटा लगने लगता है, अपरिचित लगता है, और यदि वही उपसर्ग के साथ बोल दिया जाए तो हमारा परिचित हो जाता है। इसे चित्रकार यदि हम अद्भुत आश्चर्यजनक बताते हैं तो लगता है नहीं भाई ये तो भाई कुछ अलग वही बात बताना चाह रहे हैं जो ठीक नहीं लग रही है। अब देखिए साहब विचित्र तो आप जानते हैं, बोले हाँ ये तो जानते हैं, तो उसी से देख लीजिए विचित्र का अर्थ हो गया विशेष रूप से अद्भुत आश्चर्यजनक। तो अब भी उपसर्ग नहीं भी है तो भी चित्र का अर्थ तो वही रहेगा। अब चित्र का अर्थ हुआ चेतन होना, चेतना जिससे बनता है जानते हैं हम लोग ना, चित्त, चित्त, चेतन, चेतना, जहां भी एक धातु से अनेक शब्द और उनका अर्थ स्पष्ट है चेतन होना, तो चित्र का अर्थ चेतन भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। चित्र धातु का अर्थ अद्भुत विचित्र है वो भी ठीक है, चित्त धातु का अर्थ चेतन होना वो भी ठीक है, तो आप इसे अद्भुत विचित्र चेतना कह लें सबसे ठीक है। सारे अर्थ हमने समाहित कर लिए। विभ्रम, भी उपसर्ग हो गया, भू धातु होना, विशेष रूप से होने वाला, जो भी विशेष रूप से सृष्टि में उत्पन्न हो रहा है या समाज में जो विशेष कार्य हो रहे हैं, जो विशेष कार्य करने वाले हैं, जिनके कार्य कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम विभु कह सकते हैं, विभु कह सकते हैं, विभ्रम, विभुओं को, विभु को, एक वचन में ही है विभु को, विषे विषे, प्रत्येक विष में, यह संस्कृत की शैली है, जने जने, प्रत्येक जन में, ग्रहे ग्रहे, प्रत्येक ग्रह में, वने वने, प्रत्येक वन में, शैले शैले, नमाणिक्यम चंदनम न बने बने, शैले शैले, प्रत्येक शैल पर, कहते हैं शैल शैल पर माणिक्य नहीं होते,
वन वन में प्रत्येक वन में चंदन नहीं होता, तो प्रत्येक कहने के अर्थ में उस शब्द को दोहराने की परंपरा वैदिक भाषा से संस्कृत भाषा तक और आधुनिक भाषाओं तक है। अभी भी हम लोग कह सकते हैं जन जन में बोलते हैं। तो विषय विषय जिसे कहा बने बने शैले शैले वैसे ये विषय विषय। अब ये विष क्या है? विष का अर्थ है प्रवेश करना, धातु है। तो प्रवेश करने वालों में सभी प्रवेशियों में तो जो भी नगर ग्राम के विशेष प्रवेशी हैं उनको एक प्रकार से आज के शब्दावली में उन्हें वहां का निवासी भी कह सकते हैं, जन भी कह सकते हैं। तो विष शब्द का प्रवेश प्रयोग जो है संस्कृत साहित्य में वहां के निवासियों के लिए किया गया है और उस समय की परंपरा के अनुसार सामान्यतः प्रजा कह दिया जाता है। एक राजा और शेष जो निवासी है वो प्रजा। तो प्रजाओं में प्रजा प्रजा में प्रत्येक निवासी में इस प्रकार से इसका अर्थ किया जाता है जो ठीक है स्वीकार करने योग्य है। पर हमें जानना चाहिए यह अर्थ बना कैसे। किस धातु का अर्थ प्रवेश करना है वो किस नगर ग्राम में जो लोग प्रवेश किए फिर कह दिए वो धीरे धीरे वहीं बस गए तो वे विष कहे जाने लगे। जो सामान्य प्रवेशी हैं जिसे जो राजा हैं वो अलग हैं, जो विशेष विद्वान कहीं से ला लाकर बसाए गए हैं उनका एक विशेष स्थान है। तो धीरे धीरे ये हो गया विष उन्हें कहा जाने लगा जो सामान्य निवासी भाई कहीं से आए यहाँ पर उनको ठीक लगा रहने लगे बस गए तो वह सब विष कहे जाने लगे। तो उस अर्थ में भी ले सकते हैं और सभी प्रवेशियों में ऐसा अर्थ तो यहाँ पर स्पष्ट है ही मेरे विचार से। जब इस मंत्र का ये भाव हम अब तक समझ पाए हैं तो हम अपनी बात को यहाँ विराम दे सकते हैं। अब आप लोग जो भी प्रश्न हो विचार हो व्यक्त कर सकते हैं और जैसा उचित समझें। ओम खम्बन। आप लोग पाठ करना चाहो तो कर सकते हो। बहुधा हम देख रहे हैं प्रश्न करने में लोगों को थोड़ा समय लगता है सोचने में, तो पाठ प्रारंभ कर दिया करो फिर प्रश्न लोग करते रहेंगे। ये भी कर सकते हैं क्रम बना लो। जी गुरु जी। जी ओम द्वे विरूपे चरत स्वार्थे अन्यान्यावत्सम उपधापयेते हरि अन्यस्यां भवति स्वधावान् शुक्रो अन्यस्यां ददशे सुवर्चा। ओम आगे करते रहिए। ओम अयम इह प्रथमो धायी धात्रिभिः होता यजिष्ठो अध्वरेषु इड्यः यम अप्नवानो भृगवो विरुरुचुः वनेषु चित्रं विभवं विशे विशे। ओम तीनि शता तीनि सहस्राणि अग्निम् तिंशत च देवा नव च अस्पर्यन् औक्षन्धृतः अस्त्रणं बर्हि अस्मै आत इत होतारं नि असादयन्त। ॐ मूर्धानं दिवो अर्तिं पृथिव्या वैश्वानरं ऋते आजातं अग्निं कविं साम्राज्यं अतिथिं जनानां
आसन आपात्रम जनयंत देवः। ओम खम्रम। किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर समापन करेंगे। जी ठीक है, तो फिर समापन ही करता हूँ मैं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते, सादर प्रणाम। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति। ओम नमस्ते। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। ओम